काजल से कहें, बेटी धारो धैर्य, जो हो ना सो हो गया, तुम ना छोड़ो धैर्य। से बोले उग्र से धीरज धारो, मन शांत करो, अघटित घटना का कर विचार ना, मन को अधिक अशांत करो, इसमें न किसी का दोष, अरे समझो ऐसा ही होना था, केवल ज्ञानी ने जाना था जो कुछ जैसा जो होना था। विधि से जैसा होना हो, उस कारण से उस समय वहाँ उस विधि से वैसा होता है, अनहोना कभी न होता है, वह ही होता जो होना हो, उस ही निमित्त पूर्वक होता जो जिस निमित्त से होना हो। उनका स्वभाव था, हर काल लब्धि भी आई थी, हर होनहार ऐसी ही थी, दीक्षा की बेला आई थी, पुरुषार्थ जगा अंतर में था, सब तरह पूर्ण तैयारी थी, केवल निमित्त ही बाकी था, अब उसकी ही बारी थी। पशुओं के बंधन को देखा और सुना उन्हीं का क्रंदन, करुणा से विगलित हुआ हृदय, उद्विग्न हुए करुणा सागर, अंदर से सब तैयारी थी पर निमित्त भी आ पहुंचा, नेमी ने रथ को मोड़ दिया, रथ गिर नारी में जा पहुंचा। पांचों समवाय दीक्षा के हो गए उपस्थित जंगल में, रे जाति स्मरण हुआ जिनको, लोकांतिक आए मंगलमय, अच्छा सोचा कहकर उत्साहित करते हैं, सौधर्म आदि आकर तक्षण दीक्षा महोत्सव करते हैं। इस महासत्य को तुम जानो, जो कुछ भी जैसा नक्की था है हुआ वही ऐसा मानो, और आपका भी राजन जो होना है वह ही होगा, वह ही होगा, वह ही होगा जो जिन वर ने जाना होगा। ऋषभ देव बता दिया कोड़ा कोड़ी वर्षों पहले, मारीची महावीर होगा यह जता दिया वर्षों पहले, जननी होगी त्रिशला देवी, राजा सिद्धार्थ जनक होंगे, कब और कहां सब बता दिया, जब और जहां जैसे होंगे। सिद्धार्थ राजा की शादी त्रिशला देवी से ही होगी, यह भी नक्की तब से ही था, इसमें नामीन मेख होगी, इसका तो अर्थ यही होगा कि सबका सब कुछ नक्की है नहीं किसी के वश में कुछ, सब कुछ अनादि से नक्की है। बाल ब्रह्मचारी होंगे श्री नेमी जिनेश्वर इस भव में, यह भी जाना होगा बेटी श्री तीर्थंकर ऋषभेश्वर ने,
जो कुछ घटना है घटी यहाँ, जैसी की तैसी यह भी तो जानी होगी, ऋषभेश्वर ने बतलाई होगी यह भी तो। अघटित कुछ भी है नहीं हुआ, सब कुछ पहले से नक्की था, हम नहीं जानते थे केवल, बाकी सब कुछ तो नक्की था। राजुल बेटी तेरा विवाह उससे ही होगा, इस भव में जिससे होना नक्की होगा उससे ही होगा इस भव में। मेरी शादी ने ईश्वर से यह नक्की किया आपने था, मैंने दिल से स्वीकार किया जो नक्की किया आपने था, पर आज आप यह कहते हैं जिससे होना नक्की होगा। मैं समझ नहीं पाती हूँ कुछ नक्की है या नक्की होगा। मुझको तो ऐसा लगता है होगी सगाई पर शादी ना, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता क्या ऐसा ही है, आशंका इसमें रंच नहीं, इस परम सत्य में है बाबुल, मुझको आशंका रंच नहीं। जिनवर ने नक्की नहीं किया जो नक्की है वह जाना है, हम तो विकल्प ही करते हैं, मैंने तो आज यह माना है, अपने विकल्प से कुछ भी तो ना होता है ना होना है, यह महासत्य स्वीकार करें जो होना है वह होना है। नक्की करना है नहीं किंतु जो जो होना सो नक्की है, इसमें संशय है नहीं रंच, यह बात पूर्णतः पक्की है, जो जो जिसका जब जब होना तब तब होगा यह नक्की है, जो आया दिव्य ध्वनि में है वह बात एकदम पक्की है। पर हे बाबुल जब याद नीमकी आती है तब सब कुछ विस्मृत हो जाता, छाती फटने लग जाती है, हलचल होने लग जाती है, अब अधिक कहे क्या हे बाबुल जब याद नीमकी आती है। किसका क्या बुरा हुआ सबका अच्छा होना ही है। जो रागी से वैरागी हो उनका अच्छा ही होता है, जो श्रावक से साधु बनते उनका अच्छा ही होता है, चौथे गुण थानक से बाबुल वे छठे सातवें में पहुँचे, सुख में बढ़वारी अनंत हुई वे अपने में ही आ पहुँचे। मैं सभी समझती हूँ बाबुल अच्छा ही हुआ ना इसमें शब्द, जो दिया अपने संस्कार उनमें मेरा विश्वास अचल, पर क्या कर सकती हूँ बाबुल जब याद नेमिकी आती है, आकुल व्याकुल हो जाती हूँ मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ। ऐसा
बेटी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर मन को समझाना पड़ता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। हो गया रे जो कुछ भी है, अब उसे बदलना शक्य नहीं। सोचो समझो बेटी, राजुल है उसे बदलना उचित नहीं। नेमी की परिणति शुद्ध हुई, पर हम तुम अभी वहीं पर हैं। वे तो अपने में लीन हुए, पर हम उनके विकल्प में हैं। विकल्प जाल में उलझे हम, वे हुए विकल्पातीत अहो। उनको विकल्प में उलझाना कैसे हो सकता उचित कहो। वे हैं अपने में स्वयं लीन, लौकिक सुख की कुछ चाह नहीं। वे स्वयं स्वयं में ही सब कुछ, पर की कुछ भी परवाह नहीं। बेटी तुम उनको भूल जाओ, अब वे गुरुराज हमारे हैं। वे नग्न दिगंबर साधक हैं, दुनियादारी से न्यारे हैं। शक्य नहीं, वे साधु है सन्यासी है, उनसे कुछ कहना इष्ट नहीं। अब उन्हें भूलना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अपनी सोचो हे बेटी, अब उनको कुछ संदेश नहीं। बेटी का वर खो जाता, चुननी की कोई बात नहीं। जो नक्की है वह चुनना क्या, बस उसे जानना है भाई। ऐसा ही कहते आए हैं कि वर की खोज में हम जाते, और खोजने पर देखो अच्छे वर मिल भी है जाते। जब महावीर का जान लिया, नेमीश्वर का जाना होगा। सर्वज्ञ देव है जब जिनवर, तब निश्चित ही जाना होगा। यह भी तो जाना होगा कि अब राजमती का क्या होगा। उसका विवाह किस से होगा, जिससे होना निश्चित होगा। जी शादी की बात जनक, मेरे से कभी नहीं करना। तेरी पहली भी हुई कहाँ, जो बात दूसरी की करना। अरे सातवें फेरे के पहले शादी ना होती है, छठवें फेरे तक हे राजुल लड़की क्वारी ही रहती है। सप्तपदी पूरी होती, जब तक छह फेरे पड़े अरे, तब तक तो बात अधूरी है। यदि किसी कारणवश से वह शादी नहीं हो पाती है, तो फिर किसी सुयोग्य वर से उसकी शादी हो जाती है। है सर्वमान्य यह परंपरा, इसमें है कोई दोष नहीं। पर इसे छोड़ कर हे राजन, कोई मार्ग निर्दोष नहीं। यह
यदि शादी करें आप बेटी तो वह शादी पहली होगी। दूजी शादी की बात कहाँ, जो होगी वह पहली होगी। नेमी की शादी नहीं हुई है बाल ब्रह्मचारी जिनवर। अभी आप भी कुंवारी हैं जाने माने धरती अंबर। यदि एक विरागी हो जाता दूजा भी हो अनिवार्य नहीं। देखा देखी विराग लेना भी तो है उत्तम कार्य नहीं। यदि सहज भाव से हो विराग तो दीक्षा लेना उत्तम है। यदि शादी करना इष्ट लगे तो कर लेना ही उत्तम है। दीक्षा ही लेना है तो शोक भाव को शांत करो। सब प्रकार के उद्वेगों से अपने मन को मुक्त करो। जैसे कुछ भी है नहीं हुआ ऐसी स्थिति में खुद को लाओ। दीक्षा लेने के लिए बहन व्याकुलता से मुक्ति पाओ। व्याकुलता की दशा में त्याग भावना हो, शांत चित्त में ही अरे अव्याकुलता हो। सही लगती पर शादी मुझे नहीं करना। आत्म कल्याण करूं अब मैं, अब नहीं मुझे शादी करना। शादी करना है बर्बाद, यह जीवन व्यर्थ चला जाता। यदि जीवन में कुछ करना है एकाकी जीवन ही अच्छा। हे बेटी तुमको अब तक भी नेमी की याद सताती है। उनके सपने तुमको आते आकुल व्याकुल हो जाती हो। यद्यपि अब शादी करने का है रंच मात्र अनुराग नहीं, पर परिणति से तो सिद्ध यही संयम के योग्य विराग नहीं। संयम योग्य विराग नहीं तो उचित यही शादी कर लो। इसमें है कोई दोष नहीं, सोचो समझो निश्चित कर लो। यदि अनुमति तुम्हारी हो तो योग्य व्यक्ति की खोज करें। जो होवे पूरी तरह योग्य ऐसे व्यक्ति की शोध करें। संयम के योग्य बनाऊंगी, संयम धारण के योग्य बनूं ऐसा जीवन अपनाऊंगी। निज आत्म का ध्यान धरूं, परिणति में शुद्धि बढ़ाऊंगी। आत्म में रम कर हे बाबुल संयम के योग्य बनाऊंगी। इस तरह आज तक बेटी तुम नेमी को करती याद रही। भूली हो उनको क्षण भर भी, ऐसा क्षण मुझको याद नहीं। वे नहीं तुम्हारे कोई अब, वे नग्न दिगंबर सन्यासी। उनको भूले बिन हे राजुल तुम कैसे होगी सन्यासी।
राजुल तुम जल्दी नहीं करो, सोचो समझो सब बातों को, आकुलता से बाहर निकलो, सहना सीखो आघातों को, सब बातों को आघातों को एवं मन के संघातों को, पीना सीखो जीना सीखो जीवन के सब संतापों को। राजुल को अच्छी लगी ये सलाह सुखकार, क्या करना इस बात पर सोचे बारंबार विचारे अपने मन में, क्या करना है इष्ट हमें अपने जीवन में, क्या कहना है इष्ट अरे अपने बाबुल को, यह चिंता हो गई आज व्याकुल राजुल को। राजुल ने न की किया अभी न कुछ तत्काल, करना है पर सोचना हमको बारंबार, दीक्षा के उपरांत अब नहीं किसी से आश, राजुल सोचे किस तरह